हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आराधना मेकओवर में आप सबका स्वागत है। गाइस देख सकते हैं ये थ्रेडिंग और इनका काफ़ी पतला हेयर है और इसमें पेंसिल लगा हुआ है। तो गाइस कभी भी जैसे थ्रेडिंग आप करें, यदि पेंसिल लगा हुआ है ना, तो उसको सबसे पहले तो आप क्लीन करो, क्लींजर से या टोनर से, जैसे भी क्लीन करना है उसको पहले क्लीन करो, उसके बाद ही थ्रेडिंग बनाओगे तो अच्छा होगा। ऐसे जैसे आप क्लीन नहीं करोगे ना तो शेप गड़बड़ा सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं क्लीन कर दी हूँ और जो एक्स्ट्रा हेयर है बस उसी को धागे में फंसाना है और उसके बाद निकाल देना। अंदाजे पे बिल्कुल काम नहीं करना है, जो भी एक्स्ट्रा हेयर देखे धागे में उसको रगड़ के ले जाना है और आगे वाले भाग में फंसाना है और दांत से घिंच देना है और हैंड के भी मदद से घिंच लेना है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से इनका बन गया था। बहुत कम इनका हेयर था, बस एक दो हेयर था नीचे में, उसी को बस क्लीन करना था। गाइस यदि आप बनवा लेते हो, ऐसे पता नहीं चलता है, यदि आप बना लेते हो थ्रेडिंग किसी भी तरह का, थ्रेडिंग क्यों ना हो, यदि आप बनवाते हो तो उसमें शेप बहुत अच्छा दिखता है, दूर से भी दिखता है कि हाँ फेस पे थ्रेडिंग है। और यदि आप नहीं बनवाते हो, कैसा भी थ्रेडिंग क्यों ना हो, तो वो भद्दा भी दिखता है चेहरे पे और पता ही नहीं चलता है कि आपके फेस पे मतलब थ्रेडिंग है। यदि पतला भी है, यदि उसको आप अच्छे से क्लीन करवाते हो, बनवाते हो, तो एक अच्छा शेप दिखता है फेस पे। यदि मेकअप भी करते हो तो भी अच्छा दिखता है, ऐसे भी कुछ नहीं भी करते हो तो भी अच्छा दिखता है, बिल्कुल क्लीन दिखता है। तो देख सकते हो काफ़ी इजी था इनका, और इनका थ्रेडिंग ओनली 5 मिनट के अंदर बन गया था और काफ़ी आसान है किसी भी तरह का, ये बहुत ही इजी है। और आप देख सकते हो कि काफ़ी ओल्ड लेडीज़ हैं, जैसे कि थोड़ा सा भी अच्छे से पकड़वा के यदि आप नहीं थ्रेडिंग करवाओगे तो स्किन पर कट सकते हैं। तो देख सकते हैं इनका काफ़ी लूज स्किन है और कभी भी ऐसे स्किन पे थ्रेडिंग बनाएं तो अच्छे से टाइट पकड़वाना ज़रूरी है, नहीं तो स्किन छिल सकता है, कट सकता है और नेक्स्ट डे उनको दर्द भी होगा। इसलिए ये बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी ओल्ड स्किन ओल्ड लेडीज का कभी भी बनाएं तो और अच्छे से पकड़वाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि एक भी थोड़ा सा भी कट ना लगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से मैं स्टिच करवा ली थी और उसके बाद रगड़ते हुए ले जाना है और धागा में फंसाना है, जो हेयर को निकालना है उसी को फंसाना है और उसको दांत से खींच लेना है। देख सकते हैं इनका थ्रेडिंग बातों बातों में थ्रेडिंग इतना जल्दी बन गया था गाइस, बहुत आसान भी था और बन भी गया था। तो धागा चलाना आप लोग सीखे घर में, पैर पे चलाएं, हाथ पे चलाएं, किसी पे चलाएं, यदि धागा चलाने आपका आ जाता है, धागा चलाने के लिए मैं बताई हूँ और उसका थ्रेडिंग का वीडियो है हमारे चैनल पे, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से धागा पकड़ा जाता है और चलाया जाता है। ठीक है, तो हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट जरूर करें। आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा समझ में आ रहा है या नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट बन गया है, उसके बाद टोनर लगा के क्लीन करके झाड़ के क्लीन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बस साइड का हेयर निकला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह का वीडियो मैं हमेशा हर तरह का थ्रेडिंग लाऊँगी ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।